ही बता देती हूँ। सच बता दो माही, और सच ये है कि तेरे लिए अर्जुन से शादी कभी शादी थी ही नहीं। तेरे लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील थी। शादी तो ये हमेशा जोगी से ही करना चाहती थी। ये तू क्या कह रही है चंदा? माही और माही का परिवार पैसों की तंगी से गुजर रहा है और इसीलिए ऑल दिस शादी का ड्रामा। ये वही राय साहब है जो सामने आके माही की मदद करने को तैयार हो गए, उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गए। क्यों अंकल, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? बिल्कुल सच बोल रही हूँ। माही आई थी मेरे पास और उसने कहा था कि उसके परिवार को पैसों की तंगी है और मैंने मदद करने को हाँ कहा था। उन्हें तो लगा होगा कि उनकी होने वाली बहू है, तो घर की बात है, सो व्हाई नॉट। सर 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 सर, आपकी इस महानता को मेरा प्रणाम है जी। पर अंकल को कहां पता था कि माही तो कभी उनके घर की बहू बनना ही नहीं चाहती थी। ये तो सब पहले से प्लान किया हुआ था कि राय साहब से सब कुछ लूट लो और एंड मिनट पे दूल्हा बदल दो। आप तो सारा सच जानते हैं अपने बारे में, अपने पोते की सच्चाई। बोल दो, कम से कम आज तो अपने बड़े होने का फर्ज निभा दो जी। आपके सामने एक घर की, एक परिवार की, एक कुड़ी की इज्जत इज्जत पे बनाई है जी, प्लीज बोल दो जी। तो सच्चाई ये है कि सोने में खोट हो सकती है पर मेरे अर्जुन में नहीं। माना के बगैर मां बाप के बड़ा हुआ है पर मैंने उसे सारे संस्कार दिए हैं जो अपने मां बाप बच्चों को देते हैं। अर्जुन पे उंगली उठना मुझ पे उंगली उठने बराबर है। अरे मुझे सब पता है कि मेरा पोता लड़कियों को घुमाता है, कैरेक्टर का डीला है। अरे अर्जुन में ये कमियां नहीं होती ना, तो कब की उसकी शादी कोई अमीर लड़की से करा दी होती। उठना तो मेरा हाथ चाहिए इस वक्त। पर वो क्या है ना जी, आपके हिसाब से मेरी परवरिश बड़ी गलत हुई है। मेरी बेबे ने ना मुझे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाया, वरना जो हाथ बंद रखे ना इस वक्त ये बस। ये क्या तरीका है एक बुजुर्ग से बात करने का? या ये भी तुमने माही से ही सीखा है? माही, ये सच है पुत्र, तू इतना बड़ा धोखा देने वाली थी हमको। माही, जोकी की बीजी ने तेरी माँ का सर फोड़ दिया। तेरी माँ अस्पताल चली गई, उसके बाद भी तेरे को इससे शादी करनी थी। नहीं माँ, हमारी पहले ही बहुत थू हो चुकी है माही, तो फिर कराना चाहती है? हर बार तेरी मर्जी, घर वाले तेरे लिए कुछ भी नहीं। तूने एक बार भी उनसे बात करना ठीक नहीं समझा। दादू, कमाल करते हो आप लोग, पर क्या हो गया आपकी सोच समझ को? आपकी अपनी बेटी इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी, वो ये व्यास सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि आप
बस कर दे, ये घर वालों की बात है, इसमें बाहर वाले ना ही पड़े तो अच्छा होगा। और मेरे घर वालों का भरोसा मुझ पे इतना कमजोर नहीं है कि मुझे किसी बाहर वाले की जरूरत पड़े। मुझे जो भी बोलना होगा ना, मैं बोल दूंगी। मुझे यकीन है कि मेरे घर वाले मुझ पे यकीन करेंगे। नाम आहिना, जोगी को पराया मत के, वो तो तेरा अपना है, तुझसे प्यार करता है पगली। अब तक तेरे कहने पे शुरू से एंड तक वही तो किया जो तूने चाहा, हर प्लान में हर जालसाजी में तेरा साथ दिया, और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि तेरे कहने पे तेरी बगल में मंडप में जाके बैठ गया। मैंने तो पहले ही बता दिया था मम्मी जी को सबूत के साथ कि जोगी माई से प्यार करता है, अगर उसी वक्त शादी करवा देते तो आज दोबारा नाक नहीं कटती। बस राय अंकल की चुप्पी इस बात का सबूत है कि वो अर्जुन के बारे में सब कुछ जानते हैं। जोगी ने जो कुछ अर्जुन के बारे में बोला है वो सच है। अर्जुन और चंदा का रिश्ता है ये भी सच है। मैं ये शादी सिर्फ अपने परिवार की खातिर कर रही थी, ये भी सच है। चौकी ने ये सब मुझे शादी से बचाने के लिए किया, ये भी सच है, और जिसके लिए ना मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि जोगी और मैं सिर्फ दोस्त हैं। वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानते हैं। वो अच्छा ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। ले भाई, गीता पे हाथ रख के कसम खा और कह दे कि तू माही से प्यार नहीं करता। नहीं करता। दीपक, एक मिनट। हाँ तो माता रानी का पक्त है, हा कसम माता रानी की और पना करते कि तू माही से प्यार नहीं करता।
नहीं करता। माही के सर पे हाथ और खा कसम कि तू माही से प्यार नहीं करता। इसके बाद सारे टेस्ट सारी परीक्षाएं खत्म। जोगी रख हाथ। की कसम खाता हूं, करता हूं प्यार। इतना प्यार करता हूं कि गीता की कसम तो झूठी खा सकता हूं। इतना प्यार करता हूं कि माता रानी की कसम झूठी खा सकता हूं, पर माही की कसम झूठी नहीं खा सकता। इतना प्यार करता हूं कि माही पे कोई मुसीबत आती है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जब माही को कोई तकलीफ देता है तो दिल करता है कि उसका मुंह तोड़ दूं। और इतना प्यार करता हूं कि माही के लिए जान भी देनी पड़ी ना तो पल भर नहीं सोचूंगा। लो जी, प्यार के इस इजहार के साथ ये केस यही खत्म होता है। क्योंकि ये सिर्फ एक आशिक की गुहार ही नहीं बल्कि एक गुनहगार का कबूलनामा भी था। और आज जो कुछ भी यहां पे हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि जोगी माही से प्यार करता है। क्या कर दिया जोगी तूने? चाहे आज सच मेरे साथ है लेकिन तूने ये बात बोल के ना मुझे सबके सामने झूठा ठहरा दिया। मेरे परिवार वालों के सामने,
अपनी नजरें झुका दी हैं। दोस्ती का दूसरा नाम विश्वास होता है, लेकिन तू तो धोखेबाज निकला। मान था मुझे अपनी इस दोस्ती पे, ऐसा लगा था इसे पानी की तरह साफ है। हम एक दूसरे से कोई राज नहीं छुपाते, पर मैं नहीं जानती थी ना कि तेरे इस दिल में इतनी गंदगी है। तूने आज ये बोल के ना पूरी दुनिया को सही साबित कर दिया कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। गंदगी उसके दिल में नहीं, तेरे दिल में है। विश्वास उसने नहीं तोड़ा, तूने तोड़ा। दुनिया को सच साबित उसने नहीं, तूने किया है। पता किस बात पे कि बेटी को ना बेटी ही रहने देना चाहिए, उसको बेटा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वही होता है जो हमारे साथ हुआ है। तो इस लड़की को कभी अर्जुन से शादी करनी नहीं थी। ड्रामे कर रही थी हम सबके सामने, बेवकूफ बना रही थी अपने परिवार को। है नहीं मम्मी प्लीज। पुत्र हमें अंधे थे, सारा कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था लेकिन हमने नहीं देखा। तेरे प्यार ने ना हम सबको अंधा बना दिया। जब देखो जोगी माही अंध हो गई है, हमेशा साथ साथ। माही मैं तेरे लिए किस किस से नहीं लड़ गई, चंदा को चपेट मार दी, पर अब तो खुद को मारने का मन करता है। पता है क्यों? तेरी एक बहन होने के लिए। माही दी, आपने मेरी ट्रेनिंग में जितने भी पैसे खर्च किए ना, मैं सब लौटा दूंगा। जिसकी वजह से मेरी फैमिली को इतना दुख देखना पड़ा है, मैं उसका कोई भी एहसान नहीं लेना चाहता हूं। आकाश तेरी माँ। ओए बस बंद करो ये ड्रामा, सबके सब मिले हुए हो। अरे एक अकेला बंदा इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकता है? और आप लोग तो है ना अपनी बेटियों को पहले से ट्रेनिंग देके रखते हो कि अमीरों को कैसे पटाया जाए और उनकी दौलत कैसे बटोरी जाए। एक लड़की पे दोष देके सब बच के निकलना चाहते हो क्या? जबरदस्ती की थी माही के साथ अर्जुन से शादी करने के लिए? क्या प्रेशर डाला था और क्या प्लानिंग थी
आपस में कितने पैसे बांटने वाले थे? अरे लानत है ऐसे परिवार पे। रुपयों की लालच में लड़की को शादी के लिए मजबूर ना किया होता ना तो लड़की ऐसे कांड नहीं करती। अरे ये तो हम खुश नसीब थे कि इस गंदगी में गिरने से बच गए। तुम लोग शादी नहीं कर रहे थे, असल में एक सौदा था। आप लोग कन्या का दान नहीं कर रहे थे, अपनी लड़की को बेच रहे थे तुम। ठीक, तू है ऐसे परिवार पे। इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। तुम लोगों ने ना गलत बंदे से पंगा लिया है, अर्जुन राय से पंगा लिया है। अर्जुन राय से चलिए दादाजी।